अस्सलाम वालेकुम खुशामदीद सबक जहां में आप सबका स्वागत है। तो आइए भाई के बर्थडे पे आप भी शामिल हो जाइए। यहां पे भाभी भाई के बर्थडे के लिए स्पेशल केक बना रही हैं। इस बार वो डबल लेयर केक बना रही हैं। और ये सारी डेकोरेशन की चीज़ क्या कर रहे हैं? केक असेंबल। तो आज आप कैसा वाला केक बना रहे हो? चॉकलेट केक है और इस बार ट्राई किया है डबल लेयर केक्स वाले। घर की छोटी मोटी सफाई कर रहे हैं और डेकोरेशन की तैयारी कर। बर्थडे के दिन सारा काम मुझसे किया जा रहा है। देखो आपसे तो आज मुझे स्पेशल पैम्पर करना चाहिए, ट्रीट करना चाहिए, लेकिन नहीं। मजा तो तब आएगा जब दीपिका अपने बर्थडे का केक खुद बनाएगी। भाभी देखो आपको मैं उधर दिखा रही हूँ, वहाँ से कुछ बोलिए। अरे अभी अभी जब वो बंच ऊपर लगा के टांग दे। और ये किचन में भाभी पास्ता बना रही हैं जो कि वो बहुत ही यम बनाती हैं। आप तो कर लेते हो। अरे स्पीड में स्पीड में नहीं नहीं वो नहीं बैठ रहा एकदम तेज। सही है। अब यार तुम एकदम अपना फास्ट स्पीड वाला बताओ। ये अब चलो भाई ऐसे करके दिखाओ। शान भाई के लिए क्या कहना चाहोगे? मैं हैप्पी बर्थडे बोलना चाहूंगा। बस आओ आज नहीं बोलो क्या बोलना चाहोगे? मतलब बोलो शान भाई को कोई मैसेज दो, कुछ बोलो शान भाई के लिए। शान भाई हैप्पी बर्थडे, आप बहुत अच्छे हो, आई लव यू। शान भाई बहुत अच्छे। शानू भाई के लिए क्या कहना चाहती हो? हैप्पी बर्थडे शानू भाई। और कुछ? आपका नाम टेढ़ा है क्योंकि आप बहुत टेढ़े हो। मैं आपको अपनी गलती को इतने अच्छे से कोई तो गलती भी किसी थोड़ा सा पीड़ा मिला है बिल्कुल भी नहीं। क्यों बस हो गया ना, अभी प्रोफेशनल थोड़ी हूँ। अभी क्या मतलब टेढ़ा है तो मतलब आपके दोस्त भी कह रहे हैं आप टेढ़े हो। बताओ देखो मैं सच को सच बोल रहा हूँ। अच्छा अरे हमें सेम सेम कलर है। कितने भाई कोई देख ही नहीं रहा बारे में कैंडल भी जलाना है। बर्थडे केक काटना चाकू नहीं मिलता। सही है ये बच के हमारे साथ ही हो सकते हैं तो आज मुझसे केक काटेंगे। मुझे मेरा मुंह याद है शोएब भाई, मेरे मुंह की जो बधाई थी याद है मुझे। और ये केक खिलाने का सिलसिला शुरू होता है जो सदियों से चला रहे हैं। आप सब क्या भी ऐसे ही होता होगा ना? क्या बात कर रहे हैं? किस बात पे हंस रहे हैं? कुछ नहीं, अब अपनी किचन वाली टिपिकल लेडीज गॉसिप कर रहे हैं कि अब ये बनवाना है, अब प्याज मंगवाने हैं, अब आशु की तैयारी करनी है। और आज अभी क्या बना रहे हो अभी आप? ये
ये मैं पास्ता अभी साथ साथ में बना रही हूँ, तो व्हाइट पास्ता मैंने दे दिया है। हाँ। और ये देख, ये तो मेरे पानी आ गया ना, मतलब देख के आ रहा है, मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये मिक्स सॉस, ये मिक्स सॉस है। अच्छा, और वो क्या है? वो व्हाइट, ये मैंने पिज्जा रखा है इधर भी, इधर भी ये व्हाइट सॉस बना के रखी है। बहुत ही यम बनता है ये। और ये क्या है? पिज्जा, ये पिज्जा पास्ता सॉस। टाटा, मैंने डिसाइड हो गया, अभी बर्थडे बॉय ने अप्रूव करना है, उसके बाद बताऊंगी। अभी कुछ बोल दिया और नहीं बनाया तो फिर। अम्मी, आप क्या, आप कुछ बना रही हो कल? अब वही बहू बना रही है तो क्या बनाऊंगी। अरे, आने के बाद जो जिंदगी भर काम कर लिया, आराम करें। वैसे ये बिल्कुल आराम नहीं करती है। मैं यहाँ पे जो काम करती हूँ, सारे बर्तन मुझे अपने साथ करके देती है, बिल्कुल आराम नहीं करती। आप मुझे बदनाम नहीं कर सकते कि मैंने आपको जला हुआ पिज्जा खिलाया था। जिंदगी में एक बार मैंने गलती से कुछ, पता नहीं कितने, 6 साल पहले 4 साल पहले वो ना मेरा पता नहीं ये कुछ सही नहीं बना, और वो पूरा जल गया, मतलब बहुत बुरा जला था ना, राइस हुआ, फ्लोर ना कुछ हुआ, बहुत गंदा जला था। तो उसके बाद से मुझे जिंदगी भर छोड़ चलाते थे, अब नहीं चला सकते। अब नहीं चला सकते, देखिए सामने प्रूफ है। और अब भाई फुर्सत से बैठ के अपने प्यारे प्यारे फैंस की विशेस पे। कितना बच रहा है भाई? 2 बजने वाला है, अभी सो रहा है। और आप कब सोगे? पता नहीं, आज तो कब सोना है, देखो। नहीं सोगे? आराम फरमा रहे हैं जनाब। ये बर्थडे हमारा है और पैंपरिंग इनको चाहिए। हाँ, कैसे फूलता है? अरे वाह, इसके अंदर चीज डाला था, चीज बस। तो अब नेक्स्ट डे हो गया है भाई, 3 बजे सो के उठे हैं, बोल रहे हैं पराठे बना दो, और ये केक रिजा रेहान ने बनाया है। तो अभी हम सब लोग रेडी हो गए हैं भाई के बर्थडे के डिनर में जाने के लिए, अब हम ऊपर जा रहे हैं। और ये केक जो है ये रिजा रेहान ने बनाया है भाई के लिए सरप्राइज। और ये मम्मी क्या लेके जा रही हूँ? रोटी का आटा। तो चलो चलते हैं। नहीं, अच्छी खुशबू आ रही है भाभी बाहर तक। ये दोनों ने देख रहे हैं आप सब नहीं थोड़ी लिखने में पति पूरे ने बनाया। क्या कर रहे हो? आओ, शर्मा क्यों रहे हो? जाओ जाओ, ले बैठ। रिजा से डरती थी प्रिंसिपल के पास? नहीं, बच्चे को बड़ा बताओ क्या क्या किया। मैदा लिया, कोको पाउडर, शुगर और वनीला एसेंस। भाभी ने इनको सारा सामान दे दिया था, वो व्हिपिंग क्रीम और वो सब, वो व्हिपिंग क्रीम नहीं, व्हिपिंग मशीन। और ये क्रीम भाभी ने बनाई, क्या चलाई? व्हिपिंग मशीन। अच्छा, मतलब ये बहुत ही ज्यादा, ये एफर्ट्स बहुत ज्यादा मायने रखते हैं जो भी बच्चों ने बनाया। मारी नहीं क्यों? चलो इसको भी कट कर। सो प्रीति, बहुत अच्छा है। भाभी के साथ रह रहे के सब भी सीख गए। बहुत सुंदर लग रहा है। क्या हां, होंगे तो यहां बहुत पानी है, देखो इसे, वहां भी बहुत दिन की कोठी। ये भाभी बना रही है चिकन, ये। लेकिन ये केक जो है बहुत स्पेशल है, क्योंकि ये बनाया है इन दोनों ने मुझे सरप्राइज करने के लिए, सरप्राइज देने के लिए स्पेशली इन्होंने, रिजा ने, रेहान ने, जो कि मेरे मासी के बच्चे हैं। सब पूछते हैं कौन है, तो है तो इन्होंने बनाया बहुत प्यार से, तो अभी वाला केक करते हैं। चलिए आइए करते हैं, आ जाओ। ये सीधा रखा है, उल्टा रखा, किस साइड रखते हैं? सॉरी, चलिए स्टार्ट करते हैं। तुम बताओ कैसा है, तुम ही जाके बताओ। हाँ। बीच में रिदम रिदम तोड़ दी थी। कैसा रिदम? देखो रिदम एकदम कुक की तरह, बिल्कुल बाद वाला जो आपको रिफंड है, नींद वाला। सही है, अरे फालो अभी सब कल सबको मैं खिला चुका हूँ ना, बाद दोबारा कुछ नहीं खिलाने वाला। तो अभी अभी YouTube की फैमिली को खिला दो। ये है हमारी YouTube की फैमिली, जो है सबा का जहान और दीपिका की दुनिया। ये उनके लिए है, सबा का जहान के हाथ में कैमरा है, क्योंकि वो कुछ अजीब बोलते हैं, वो कुछ काम नहीं करती। और मुझे सब सुनाएंगे, अगर वो काम करेगी तो शूट ऑन करेगा। तो ये आप सबके लिए, ये आप समझ रहे हो, मुझे खिला रहे हो या उनके खिला? आई लव यू ऑल। इधर दो आओ, ये सबा के जहान के जो सारे हैं, ये पीछे बैठे, देखो कौन बैठा हुआ है। तो ये था हमारा छोटा सा प्यारा सा सेलिब्रेशन, और आगे कुछ विशेज हैं, ये भाई के लिए सरप्राइज हैं, कुछ लोग शामिल नहीं हो पाए फैमिली से, और कुछ फैंस की भी विशेज आई थी, तो वो आप आगे देखिए। हैप्पी बर्थडे टू यू सानू, खुश रहो बेटा। हैप्पी बर्थडे सानू भाई, यू आर वर्ल्ड बेस्ट ब्रदर, यू आर मोस्ट लविंग ब्रदर, आई लव यू। मुबारक हो, अल्लाह तुम्हारी उम्र में बरकत हो। और ठीक हो बेटा? बेटा हैप्पी बर्थडे, अल्लाह को अच्छा रखे।
बेटा हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे शानू हमेशा।